नमस्कार दोस्तों, ईवी गुरु में आपका स्वागत है। एथर एनर्जी वर्सेस हीरो इलेक्ट्रिक, शब्दों का युद्ध। क्या हमें फेम वन पॉलिसी के पास वापस जाना चाहिए? तो आइए देखते हैं ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं सुहिंदर गिल, जो कि हीरो इलेक्ट्रिक के सीईओ हैं और डायरेक्टर जनरल हैं एसएमईवी के, सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ना चाहूंगा। तो सुहिंदर गिल कहते हैं कि अब 2 साल हो चुके हैं फेम टू स्कीम को और 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचने का जो टारगेट था उसका सिर्फ 10% अचीव हुआ है और हमें चाहिए कि चेंजेस करें फेम टू को, या तो फिर फेम वन रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो आइए जानते हैं तरुण मेहता के बारे में, जो सीईओ हैं एथर एनर्जी के, और वो इस ओपिनियन का एक काउंटर ओपिनियन, काउंटर स्टेटमेंट उन्होंने इशू की है, जो कि ये है कि एसएमईवी का जो कंसिडर्ड ओपिनियन है वो सही तौर से कंसिडर्ड नहीं है। वो इंडस्ट्री में ये पॉलिसी क्या करने जा रही है उसको समझे नहीं है, क्योंकि फेम टू पॉलिसी एक रीस्ट्रक्चरिंग के लिए है, एक नए टाइप के प्रोडक्ट के लिए है, ना सिर्फ डिमांड क्रिएशन के लिए ताकि उपभोक्ता ज्यादा प्रोडक्ट खरीदे। तो इन दोनों में से सही कौन है, एथर के तरुण मेहता या हीरो इलेक्ट्रिक के सुहिंदर गिल? फेम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ये एक 800 करोड़ की स्कीम थी जो 2015 में लाई गई थी और इसका मेन पर्पस ये था कि सब्सिडाइज करे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। इसमें वो ये परवाह नहीं कर रही थी कि गाड़ी की बैटरी की केमिस्ट्री क्या है, क्या वो लेड एसिड है, क्या वो लिथियम आयन है, क्या वो पर्यावरण के लिए बेहतर है या नहीं, कहाँ से मैन्युफैक्चर की गई है, वो चाइनीज नॉकडाउन किट है या टोटली इंडिया में असेंबल्ड है। इस तौर के फैक्टर्स को वो ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करती थी और एक आउट एंड आउट सब्सिडी दे रही थी। तो ये थी फेम वन स्कीम। फेम टू स्कीम एक ज्यादा एडवांस स्कीम है और फेम वन से सीख करके इन्होंने 10,000 करोड़ की लागत इस स्कीम में लगाई है और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नहीं है बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी है, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है और टू व्हीलर्स के लिए है। और ये स्कीम एक स्टेप आगे जाती है और मेक इन इंडिया को भी प्रमोट करती है, क्योंकि इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपको कम से कम 50% कंपोनेंट्स लोकली मेक इन इंडिया करने होंगे। हमारे हिसाब से फेम टू एक बेहतर स्कीम है क्योंकि ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी एक ध्यान देती है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को फोर्स करती है कि वो मेक इन इंडिया लोकलाइज प्रोडक्ट्स, बेटर प्रोडक्ट्स बनाए जो कि कंज्यूमर्स की नीड्स को एड्रेस कर सके। इससे पहले जो कंपनीज हैं जैसे कि हीरो इलेक्ट्रिक है, एम्पियर है, ओकिनावा है, ये सिर्फ चाइना में जाकर के किट उठाकर ले आते थे और इंडिया में डंप कर देते थे और इसमें कुछ R&D या डेवलपमेंट नहीं होता था। अब ये नई स्कीम की वजह से इन कंपनीज को भी यहां वहां दौड़ना पड़ रहा है लोकलाइज करने के लिए, लोकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर से कंपोनेंट खरीदने के लिए, जिसके वजह से लोकल ईवी इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये एक बेटर स्कीम है। और अब फेम टू की वजह से कई टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स, बस मैन्युफैक्चरर्स, कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स काफी ज्यादा लोकलाइज करने लग गए हैं, यहां तक कि 60% तक उनके कंपोनेंट्स उन्होंने लोकलाइज कर चुके हैं और उनका टारगेट उन्होंने 95-100% लोकलाइजेशन का रखा है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है लोकल इंडस्ट्री के लिए और कंपनीज के लिए और खास करके कंज्यूमर्स के लिए, जिनको एक बेटर प्रोडक्ट मिलेगा जिसके लिए उनके पास बेटर सपोर्ट होगा। एक उदाहरण के तौर पर महेंद्र ट्रियो जोर, जो कि एक थ्री व्हीलर लोडर है, वो कम से कम 95% लोकलाइज्ड है सेल्स को छोड़कर। उसका BMS, उसकी जो कंट्रोलर है, उसकी बॉडी, चैसी, एक्सेसरीज, ये सारे सब कुछ लोकलाइज किए जा चुके हैं। तो ओलेक्ट्रा एक और कंपनी है जो काफी हद तक के लोकलाइज कर रही है। तो ये डेफिनेटली उपभोक्ता के लिए भी बेटर है और मैन्युफैक्चरर के लिए भी बेटर है। तो एक लोकल ईवी इकोसिस्टम क्रिएट की जा रही है, हालांकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ये ही एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर हमें प्रॉमिस करती है। तो फेम टू ने इंडस्ट्री को एक दिशा दी है और डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर्स भी इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये सबके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। तो आइए अब सुहिंदर गिल की तरफ चलते हैं हीरो इलेक्ट्रिक के। इन्हें ये कह रहे हैं कि हमें फेम टू को बदलना चाहिए, यहां तक कि ये भी कह रहे हैं कि फेम वन को वापस ले आना चाहिए। तो जरा सोचिए ये ऐसा क्यों कह रहे हैं।
सुरेंद्र गिल की हीरो इलेक्ट्रिक जो है उसने 2019 में 50,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेची, जिसमें से 90% स्लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स थी, और ये फेम टू सब्सिडी या फेम सब्सिडी अट्रैक्ट नहीं करती है। तो ये चाह रहे हैं कि इस साल इस टारगेट को एक्सीड किया जाए, और जब सब्सिडी मिलेगी तो स्कूटर के दाम कम हो जाएंगे और ज्यादा स्कूटर्स बिकेगी। तो यही इनका एक मूल मंत्र है। सवाल ये उठता है कि हीरो इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी जो 15 साल से भी ज्यादा मार्केट में है, मार्केट लीडर है, एक वेल फाइनेंशियली बैक्ड कंपनी है, इसे सब्सिडी की क्या जरूरत है। असली बात यह है कि इन्होंने कुछ इनोवेशन लाया ही नहीं है। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू प्राइस को लोअर कर सकते हैं, ये एक न्यू टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन की वजह से प्राइस लोअर कर सकते हैं, या एक ऐसे कंपेलिंग प्रोडक्ट क्रिएट करें जो लोग इसे खरीदना चाहे। तो ये तीनों चीज नहीं होने की स्थिति में आप और मेरे जैसे आम लोगों का पब्लिक फंड्स इस कंपनी को सब्सिडाइज क्यों करे जो इनोवेशन ही नहीं कर रही। स्पेक्ट्रम की बिल्कुल उल्टी तरफ एथर है, जो इनोवेशन में कुछ कमी नहीं छोड़ी, एक वंडरफुल प्रोडक्ट क्रिएट किया है, बहुत ही सेफ है, बहुत ही सिक्योर है, फंटास्टिक परफॉर्मेंस है इसका, और इसमें हर चीज लोकली इंडिजिनसली डिजाइंड है, लेकिन ये मास मार्केट के लिए नहीं है। इन्होंने कहा है कि इनकी स्कूटर उनको 1,90,000 का खर्चा है इसको बनाने के लिए और बेचने के लिए, और 29,000 रुपीज की सब्सिडी के बाद ये मुंबई में 1,61,000 के लिए बिकती है, जो कि सिर्फ अमीर लोगों के लिए है जो इस स्कूटर को अफोर्ड कर सकते हैं, मास मार्केट के लिए नहीं है। एथर इंडस्ट्री में 5 से भी ज्यादा साल से है, और ये कोई ऐसा मास मार्केट इकोनॉमिकल प्रोडक्ट क्रिएट करने के नजदीक भी नहीं है। तो आप और मेरे जैसे आम आदमी का पैसा इस कंपनी को क्यों सब्सिडाइज करे जो सिर्फ अमीरों के लिए प्रोडक्ट क्रिएट करता है। सो अब गवर्नमेंट भी सोच रही है कि एक नई इनोवेटिव स्कीम लाए, फेम 3 शायद, और ये रहे प्लग इन इंडिया के आइडियाज फेम 3 के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि वो कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 करोड़ से ज्यादा हो उसको सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए फेम 3 के तहत। दूसरी बात यह है कि वो कंपनीज जो स्टार्टअप्स हैं जो सीरीज ए फंडिंग रिसीव कर चुकी है अप टू 10 करोड़, उनको सब्सिडी दी जानी चाहिए जिनके पास एक फर्म गो टू मार्केट स्ट्रेटजी हो, और इसको टाइम बाउंड भी कर दिया जाना चाहिए ताकि गवर्नमेंट के पास एक क्राइटेरियन हो जो अगर वो कंपनी फुलफिल ना करे तो उसे ये सब्सिडी स्कीम से बाहर खींचा जा सकता है। तो इस नए सिस्टम के तहत उन नई स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलेगी जिनके पास कुछ बहुत अच्छे आइडियाज हैं और जो कुछ करना चाह रहे हैं इंडियन ईवी इकोसिस्टम के लिए, और उनके पास रिसोर्सेस कम है। एट द सेम टाइम वो बड़ी कंपनीज जैसे कि हीरो इलेक्ट्रिक है और एथर है जिनके पास काफी फंडिंग है, उन्हें इतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। सो फेम 3 के लिए एक अन्य स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि हम उन मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी दें जो एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो कई कैटेगरीज में आती है, ताकि एक मास मार्केट को अप्रोच किया जा सके। एक और चीज ये हो सकती है कि हम व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हों जो एक लोकलाइज्ड व्हीकल क्रिएट करें जो एक सर्टन परसेंटेज है, और उसमें जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स है उन्हें भी ऑडिट किया जाए कि उनके प्रोडक्ट्स कितनी हद तक के लोकल मैन्युफैक्चर्ड हैं, कितनी हद तक के असेंबल्ड हैं, कितनी हद तक के इंडिया में मैन्युफैक्चर किए गए हैं। सो प्लग इन इंडिया ने ईवी इंडस्ट्री की इंटेलिजेंसिया को पोल किया, और ये रहा जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं इस नई टाइप की स्कीम के बारे में। हमें लगता है अल्टीमेटली सुरेंद्र गिल और तरुण मेहता दोनों ही अपनी अपनी कंपनी के नजरिए से देख रहे हैं, और एक ईवी इंडस्ट्री के लिए लार्जर पिक्चर नहीं देख रहे हैं। हमें लगता है कि इन्हें इसके लिए भी अकाउंटेबल रखा जाना चाहिए, ये काफी इन्फ्लुएंशियल कंपनीज हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? तो क्या आप सुरेंद्र गिल से सहमत हैं जो कहते हैं कि लो स्पीड स्कूटर्स को भी सब्सिडी दी जानी चाहिए, या आप तरुण मेहता से सहमत हैं जो कह रहे हैं कि आपको परफॉर्मेंस ईवीज को भी सब्सिडी देनी चाहिए, या आप कुछ अलग सोचते हैं और ये कह रहे हैं कि
स्टार्टअप्स को और यंग एंटरप्रेन्योर्स को सब्सिडी दी जानी चाहिए और बड़ी कंपनीज को फोर्स किया जाना चाहिए इनोवेट करने के लिए, तो एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट को मार्केट में ले आए। या आपकी सोच कुछ और है और आप कह रहे हैं कि लोकलाइजेशन के लिए सब्सिडी दी जानी चाहिए ना कि बाकी सब चीज़ों के लिए, हमें बताइए, कमेंट्स में लिखिए और आपके ओपिनियंस, कीमती ओपिनियंस हमें बताइए ताकि हम इन्हें इंडस्ट्री को पुट फॉरवर्ड कर सकें। हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्ते।